क्या आप बीजेपी ने अयोध्या या कहें हिंदुत्व और विकास ये तय कर लिया है और यही आपका 2024 का एजेंडा है? नहीं, मुझे गौरव जी सबसे पहले तो यही कहना है कि हमें स्वीकार है, हम राम भक्त हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं, आप राम द्रोही हो ये स्वीकार करो, क्योंकि आपने राम द्रोह किया, आज भी बहाने बना बना के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर रहे हो, आज भी जो है भगवान राम को दोष दे रहे हो, आज भी अपमान कर रहे हो, सैम पैत्रोदा से लेके शशि थरूर से लेके आपके सारे नेता जो है भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। तो ये तो सच है, ये तो सच है, इसमें पूरा देश जान रहा है। और वैसे भी भगवान राम काल्पनिक थे और हिंदू आतंकवादी हैं, ये सब कुछ आपने आप तो कही चुके हैं, हर स्तर क्रॉस कर चुके हैं। हमें खुशी है कि हम राम भक्त हैं, भगवान राम को आस्था के साथ देखते हैं और इसके उनको साथ लेके चलते भी हैं, और इसीलिए डंके की चोट पर राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, आपकी छाती पे दाल मूंग के हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, आपके लाख विरोध के बावजूद कर रहे हैं। क्या विरोध नहीं किया? अरे पहले तो विरोध किया किया, लेकिन उसके बाद जब शिलान्यास हुआ उस दिन भी विरोध कर रहे थे, देश के सारे ज्योतिषी जो है मुहूर्त निकाले और एक कांग्रेस के नेता जो है घूम घूम के गा रहे थे कि साहब ये मुहूर्त गलत है, ये ज्योतिषाचार्य बन गए थे उस समय इनके नेता, जिस समय उसमें वहां पर निर्माण होने लगा जब उसके उस लोग सहयोग कर रहे थे। नेता क्या कह रहे थे? सुनिए के शर्मा, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे आपने बता दिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ 2024 हिंदुत्व प्लस विकास एजेंडा तय, वो भी बता, वो भी बता, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल विकास भी है और हिंदुत्व भी है, इसमें कोई दो मत नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा? ठीक है, बादल एक मिनट, गौरव जी मुझे बात तो करने दीजिए, इतना बड़ी बड़ी व्याख्या की अभी अभय जी ने बैठ के, अभी इन्होंने 40 दल और जो है 28 दल गिना रहे थे, 28 दलों को मिला के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 141 सीट इनके पास, जो 28 दल है उनकी लोकसभा में जो है सदस्य जो है 141 है, भारतीय जनता पार्टी इकलौती 303 सीट की पार्टी है, इकलौते हम, क्या किया? क्या तुलना कर रहे हो हमारे और अपने गठबंधन का? और यह भी बता दूं कांग्रेस अभय जी, ठीक है, जाके जोड़ लीजिए, अभी पूरा गौरव जी ने सुनाया है 18 राज्यों में आपके पास जीरो सीट है, 18 राज्यों में खाता नहीं खुला आपका 2024 में। वो अकेले मुझे उनके पास जाने दीजिए, अभय जी आपको बोलने का मौका दूंगा, बोलिएगा, मैं रघुनाथ के पास जाता हूँ। 11 प्रांत में मोदी जी का एक भी सांसद नहीं है, 11 प्रांत पर जवानत जब्त हुई, चौपन पर जब महिमा वर्णन कर रहे अधिनायकवाद का, मोदी जी की भैया अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, अभय जी अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हो, 11 मूर्खता का परिचय दे रहे हो, तो जब थे अटक से पंजाब और कश्मीर से कन्याकुमारी सारे प्रांतों में हम थे, पूरे देश में हम थे, जब हम चरम पर थे 6 दशक तक, क्या बात करते हो गौरव जी? मुझे बात तो पूरी करने, हाँ बात पूरी करिए के शर्मा, जल्दी पूरी करिए। मैं 2019 का रिजल्ट में परिणाम आपको चुनौती के साथ कह रहा हूँ, कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा अभी, और किस किस राज्य में कितनी सीटें कांग्रेस की और कितने भाजपा की, 28 मैंने पहले कहा 18 राज्यों में जीरो सीट है, खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, 7 राज्य ऐसे है जिसमें 1 और 2 सीटें हैं, मूर्खता की बात कर रहे हो यार, 11 राज्य में मूर्ख, इसके बावजूद 303 सीट है, बात करते हो 54 सीटों पर जमानत जब्त, गौरव जी ये क्या है, 10 राज्य ये क्या बदतमीजी कर रही है, सिर्फ यार आपकी और वो अकेले है एनडीए में, वो अकेले है यहाँ पे, आपके 4-3 साथी तो भी बोल नहीं पाए, जल्दी से मुझे बियर में टोक रहे हैं, कैसे बोल पाएंगे के शर्मा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, आपको भी बहुत टाइम हो गया, आपका ये बताओ अभय जी अगर सोच के आए कि बोलने नहीं देंगे तो उस हिसाब से डिबेट कर लेते हैं फिर, और अगर आप जिस हिसाब से डिबेट करते हैं उस हिसाब से डिबेट करेंगे तो आपको चुप रहना चाहिए, अभी अभी दूसरे लोगों की बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा, बोलिए 20 सेकंड पूरी कीजिए अपनी बात अभय जी प्लीज। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि ठीक है 11 राज्यों में हमें बता रहे हैं, लेकिन हम जो है 303 सीट की पार्टी है, इनके 18 राज्यों में खाता नहीं खुला,
सात राज्य ऐसे थे जिसमें सिर्फ एक और दो सीटें थी, सिर्फ दो राज्य ऐसे हैं, एक राज्य केरला जहां इनको डबल डिजिट की सीट मिली, इसके अलावा इनको सीट नहीं मिली। तो आज ये अपनी हैसियत खुद की स्थिति देखें, हम तो ठीक है 11 आप बता रहे हो लेकिन 303 सीट जीते, ठीक है आप तो कुल 52 सीट पे रह गए, ठीक है क्या आपकी स्थिति है, क्या आपकी देश के अंदर, ठीक है बादल देवनाथ है हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए। बादल देवनाथ ये बताइए कांग्रेस को टीएमसी कितनी सीटें देगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, बताइए। बंगाल में नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बंगाल में कुछ कांग्रेस एक दो कांग्रेस लीडर ने कुछ घोषणा किया 6-7 सीट चाहिए, लेकिन देखिए जो चल रहा है या आज जो चैनल में अपना अपना दल में वो खुद का डिमांड कर रहा है कि कौन कितना सीट लड़ सकती है, लेकिन मतलब ये नहीं है बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं है, सबको पता है एक पार्षद भी नहीं है, कोई दो चार पंचायत है, एक एमपी है, कोई सांसद एमएलए विधायक कुछ नहीं है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी ठीक कहा, बंगाल में भाजपा के खिलाफ बार बार टीएमसी ने लड़ाई की तो आप सब जानते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है, आपका मुद्दा है मंदिर और विकास का मोदी मॉडल, यही तो आपका सिर्फ मॉडल आज का मुद्दा है, लेकिन मैं इसके बारे में दो चार लाइन मैंने कहा, मोदी का विकास मतलब क्या है, ना मेक इन इंडिया हुआ, ना डिजिटल इंडिया हुआ, ना अपाइटन का गवर्नमेंट हुआ। अरे अभी आप सीट पे बात करिए ना, उस पर आएंगे बाद में। बादल देवनाथ आपने बोल दिया कांग्रेस का कुछ नहीं है, नहीं कांग्रेस को क्या एक भी सीट नहीं दे रहे हैं आप लोग 42 में से, एक मिनट तो टाइम दीजिए सर, बोलिए ना, आप ही अटन है, आप चुप क्यों हो गए, बोलिए बोलिए। अरे वो बीजेपी के खिलाफ सुनकर थोड़े व्यथित हो जाते हैं, क्या करें बेचारे, बीच में मत बोलिए, मैं जो बोल रहा हूँ स्मार्ट सिटी का बात किया था, कोई कुछ नहीं हुआ, ना पाइप का गवर्नमेंट हुआ, बेटी बचा बेटी पढ़ा बंद है, स्वच्छ भारत अभियान बंद है, सब कुछ बंद है, और देखिए हिंदू ध्रुवीकरण करने का कोशिश, धर्म निरपेक्ष ये तो मानते नहीं है, लोकतंत्र मानते नहीं है, 143 संसद को सस्पेंड किया पार्लियामेंट में, पूरा देश में यही राज है, यही मॉडल है। अरे पूरी राजनीति आप जो बात कर रहे हैं सबको मालूम है, ये अभी आपके सहयोगी अभय दुबे भी बोल रहे हैं, अभी दो और बोलने वाले, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने कहा कांग्रेस का एक भी एकाध पंचायत में तो होगा वरना है नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ बादल देवनाथ आपने कह दिया कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे, एक या दो या कुछ भी नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ या ना, एक या दो या कुछ भी नहीं, ये तो डिमांड चल रहा है अभी तो, सीट के लिए इंडिया एनएस में कोई बैठक नहीं हुआ, हाँ बैठक होने दीजिए, अभी आप बोल रहे थे पता चलेगा, लेकिन अभी मैं कैसे तय करूंगा, ये तो पार्टी का डिसीजन लेगा, कांग्रेस से वहां पर बैठक तक नहीं हुई इंडिया की, और जेडीयू ने अपना अध्यक्ष बदल लिया भाई, हमारे साथ देखिए जेडीयू से रंजीत कुमार झा है, रंजीत कुमार झा 17 आपने बांट ली, 17 आरजेडी को दे दी, एक माले को दे दी, अब कांग्रेस के लिए क्या बचा बिहार में, और अब नीतीश कुमार तो अध्यक्ष भी बन गए आपकी पार्टी के, ये आपको अभी ये आधिकारिक जानकारी कहां से मिली कि 17 हमने रख लिया, 17 जदयू को आरजेडी को दे दिया, एक माले को दे दिया, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, मुद्दा यह है हाँ। कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 सालों में जिन मुद्दों पे आई थी, बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार, उस पे सरकार ने क्या किया 9 सालों पे, और हम लोग मिलके उस पे भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, ये जो अभी कह रहे थे राम मंदिर, ये मुद्दा नहीं है, हम सभी लोग राम भक्त हैं, हम सभी लोग राम भगवान की पूजा करते हैं अपने अपने घरों में, और सभी लोग खुश हैं इस बात से कि राम मंदिर बन रहा है, लेकिन इसके साथ भारतीय जनता पार्टी को ये भी जवाब देना चाहिए कि इस देश के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, बेरोजगारी कम कैसे होगी, भ्रष्टाचार जो मुद्दा था वो कम कैसे होगा, और महंगाई कम कैसे होगी, इन मुद्दों पे भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए, तो मुद्दा ये नहीं है कि इंडिया में किस पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, उन्होंने कहा मेरी इतनी सीटें हैं, मुद्दा ये नहीं है कि जेडीयू 17 सीटों पर लड़ेगी या जेडीयू 7 सीटों पर लड़ेगी, जनता ने आपको तो दिया 303 सीटें, लेकिन उसके बदले आपने जनता को क्या दिया, आप ये भी बताइए बीजेपी ने 9 साल की आपकी उपलब्धि क्या है, इंडिया की सीटों में 9 सालों से सत्ता में, मुद्दा नहीं है, सुनिए रंजीत भाई, सुनिए रंजीत भाई सवाल सुनिए, क्या ये मुद्दा नहीं है कि जेडीयू को 17 सीटें मिलनी चाहिए या 7 सीटें मिलनी चाहिए, क्या ये मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए इंडिया में, मुद्दा देखिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग मिलके अगर 1-1 लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में शिकस्त देंगे, क्योंकि देश की जनता इनसे उब चुकी है। अच्छा ये मुद्दा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, महंगाई का
हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये मुद्दा है। और ये भी मुद्दा, अब कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके और देश में उनका नेता प्रधानमंत्री बने, ये कौन सा नारा गलत है? ये नारा कहां से गलत है? अरे हम कहां कह रहे गलत है, कार्यकर्ता चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि इंडिया में तो सीट शेयरिंग हुई नहीं और प्रधानमंत्री के नारे पहले लग गए। आप तो लड़ाई लगाने का कोशिश कर रहे हैं, बादल देना रुकिए, आपसे बात नहीं हो रही कि कौन, रुकिए रुकिए, बिल्कुल आग लग जाएगी आप में। आप अपने नेताओं को बोलिए ना कि सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान ना दें, आप अपने अपने नेताओं से बोलिए कि सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान ना दें। संजय राउत ने क्या बोला? संजय राउत ने क्या बोला? 23 सीटें ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी। जब आपकी सीट शेयरिंग हुई नहीं तो 23 सीटों का नंबर कहां से आ गया? तो अपनी बात को तो कह सकते हैं ना, अगर विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी सीट शेयरिंग करने की बात कर रहा है, तो कहां से कैसे ये सवाल नहीं आना चाहिए। अब अगर जिस तरह से हमारे देश के संघीय ढांचे के अंदर डबल इंजन की जो बात आप करते हैं ना, डबल इंजन ये नहीं होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी की सरकार है तो केंद्र में भी उसी की सरकार है तो डबल इंजन होगा। डबल इंजन का मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों मिलकर के सरकारों को चलाते हैं ताकि सरकार अपना काम सही से कर सके। और अगर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर इस बात पर फैसला किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला किस तरह से हो, किस स्टेट के अंदर कौन पार्टी ज्यादा मजबूत है और किस तरह से वो ज्यादा सीटें जिता सकती है, तो हमारे देश के संघीय ढांचे में और इस तरह का प्रावधान है और इस तरह की कोशिश की जा रही है। अगर कोई पार्टी आज बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपने उनको दुश्मन की नजर से देखें। अगर किसी ने अपनी सहमति से आपका साथ हाथ छोड़ दिया है ऐसे तो, और कोई पुराना जो पहले आपका बहुत दुर्विरोधी था उन्होंने आज आपका हाथ पकड़ लिया है तो आप सब बातें भूल करके उसको अपने साथ कर लेते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप उसको दुश्मन की नजर से मत देखिए। सभी इसी देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्हें अपने विरोधियों की नजर से देखिए, ना कि दुश्मन पार्टी की तरफ से। अगर एक मजबूत पक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है तो बीजेपी को उसको सम्मान की नजर से देखा जाना चाहिए। आज आप दुहाई दे रहे हैं दोस्ती की, आज आप दुहाई दे रहे हैं नैतिकता की, छोड़ के तो आप ही गए उनको। छोड़ के जाना ना जाना ये एक हर किसी का अपना डिसीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई छोड़ के चला गया तो उसको दुश्मन की नजर से देखा जाए, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जाए, उनकी पार्टी के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जाए। ये भूल जाए कि हमारे 25 से 30 साल पुराने साथी थे, ये भूल जाए कि इन्होंने सत्ता के लिए कितना त्याग किया, ये भूल जाए कि शिवसेना ठाकरे परिवार एक ऐसा परिवार था जिसने 25 साल सत्ता के साथ समझौता किया और हमेशा ये चाह कि बीजेपी की सरकार अभी भी याद है। संजय गुप्ता, 25 साल की दोस्ती का अभी असर गया नहीं है दिल में, वो कभी भूलता ही नहीं है।